तीखा किस्म का सच है। मंशा ने तो पहले ही खाना शुरू कर दिया कि मंशा को भूख लगी हुई है। हाँ, मुझे थोड़ी सी भूख थी, लेकिन ये था, ये ज्यादा तीखा, ये तो ये वैसे इसकी सॉस सुनो, इसकी क्या यार ऐसा जबरदस्त आपको तबीयत खराब करने के लिए आ रहे हैं। ये वाला क्या Not this one. This one. देखने में लीथल लग रही है। ये? Oh my God. Not happening. वैसे आजकल लाल मिर्चें अच्छी नहीं आ रही। नहीं अच्छी आती? क्यों मंशा? नहीं बस सही नहीं आती। मंशा क्या वजह? Why मंशा के साथ discrimination क्यों हो रहा है? ये लो यार, ये लो यार, इतना discrimination आप भी करेंगे ऐसे? मैंने कहा मंशा को ज्यादा मिर्ची लग जाएगी। हाँ तो मेकअप खराब। देखिए जिस इंसान पे तर्स आता है आपको बुरा क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है? हाँ क्यों? अगर मैं हमदर्दी करूँ, I believe in equality. मैं हूँ अच्छी। You're a tough guy, man. You're a tough guy. You can understand. You can solve this out. Don't worry. पहला सवाल हम मंशा से करेंगे, जो मंशा खाते हुए जवाब देंगी वो ये है। एक ट्वीट में कहीं पे ये बोला, और यकीनन वो तीन लड़कियों की तरफ इशारा था कि इंडस्ट्री में लड़कियों को दे शुड लर्न टू स्पीक। तो वो तीन खवातीन की स्टेटमेंट को भी कोट किया था। सो वो क्या था? व्हाट वाज इट एंड व्हाई वाज इट? उस वक्त जो मुझे लगा वो मैंने कहा, और बाद में आई मीन क्लियर आउट भी हो गई वो बात। ओह माय गॉड, दिस इज सो स्पाइसी। एक सेकंड। ठीक है। हाँ, बट वो मुझे उस वक्त फील हुआ, मैंने कह दिया, बस यही था। लेकिन ये कभी अभी ऐसा चीज कहते हुए यू थिंक कि मैंने उस पर कह दिया? यार आप लोग इतनी बातें कह देते हैं कि अब मुझे लगता है कि बंदा कहाँ शुरू करे कहाँ खत्म करे। तो अब मैं कुछ नहीं कहती, अब मैं कहती हूँ हाँ सही है ठीक है। बट हाँ, जब मुझे फील होता है कि कोई ऐसी बात है जिस पे मुझे फील होता है कि आई रियली वांट टू से समथिंग, तो हाँ मैं कह देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। बिकॉज़ दैट वाज फॉर सदफ कमल हिरामानी एंड मोमिना मुसैसन, एम आई राइट? इन तीनों के लिए था वो कमेंट। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। नूर खान अर्तुरल का एक कैरेक्टर है, और कोई एक पिक्चर लगाई थी नूर ने अपनी, और सब लोगों ने कहा था कि ये अपने आप को पाकिस्तान का तुर्गुत अल्प समझ रहा है। ऐसा था? ऐसा हुआ था? बहुत सर क्या पिक्चर में कुछ उस जैसे मेरे बाल बहुत बड़े बड़े थे यहाँ तक, शोल्डर लेंथ। ओके, और मैंने भी पोनी बनाई हुई थी एंड आई डिड नॉट मेक इट। मेरे फैंस जो हैं तो उन लोगों ने वो सर्कुलेट करना शुरू किया मेरे साथ और उसके साथ साइड बाय साइड पिक्चर्स। सो वो जो एक तस्वीर का कंपैरिजन इतना रियल था, इवन फॉर 2 seconds आई वाज लाइक वो That's pretty close. So yes. I hope you didn't ruin your clothes. I really hope that I didn't also. Itni sauce thopenge to yahi hoga na. Ud gaya ab apne usse aur laga bhi hai thoda sa mujhe lagta hai. But ye mansha ki trick hai khana na khane ki. Agar ki gira do mirch lag rahi thi slip le kiye ja rahi hai taki khana na pade. Gira do na. Okay ji. मंशा एक इंडियन एक्ट्रेस ऑफ कोर्स को आपने जवाब दिया था, फिर उसकी बहन ने आपसे कहा कि आप अपनी कंट्री के साथ ऑनेस्ट हैं एंड दिस एंड दैट। हां किसको? हां कंगना। हां तो क्या था ये, क्या हुआ था? कुछ नहीं है, अजीब सन की औरत है वो तो। नहीं काफी उन्होंने कुछ कहा, क्या मुझे तो अब याद ही नहीं, आपके पास लिखा हुआ होगा। व्हाट ने लिखी हुई? आई थिंक शी सेड समथिंग ऑब्वियसली बिकॉज़ शी इज ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान। तो उन्होंने कुछ ऐसे कहा, मैंने कुछ कहा, तो उन्होंने आगे से कहा कि मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि आप पाकिस्तान की इज्जत करती हैं एंड यू स्टैंड अप फॉर योर कंट्री, लेकिन जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो ऐसा नहीं करते, ब्ला 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 ऐसे करके कुछ। तो बस यही बात थी, बट शी इज कंगना, सो आई मीन आई डोंट नो। ओके नूर, Yes, Noor is enjoying the food. Yeah. I'm noticing he's enjoying the food. यार ये देखे, ये सालन है, ये सालन बन गया है सॉस और उसका मिक्सचर मेरे हाथ में। नूर इंडस्ट्री में नूर के 2 scandals तो लाजमी बने हैं, क्या आप ये समझते उसमें कोई सच्चाई नहीं थी? ये 2 scandals बने हैं, आई डोंट नो डिपेंडिंग ऑन द स्कैंडल जो मेजरली हमने सुने हैं। क्या स्कैंडल बना है नूरी, मुझे भी बताओ। नो आइडिया, बहुत से स्कैंडल्स बने, आई डोंट नो उनमें से दो कौन से। सबसे फेमस स्कैंडल क्या है? किस तरह मेरी सनम चौधरी के साथ शादी हो गई। ये स्कैंडल अब तो नहीं हुआ? स्कैंडल ही स्कैंडल है, शादी हुई है। नहीं लेकिन अच्छा मिर्ची चाट मतलब और क्या बोलेंगे इसको मंशा? चलो रूमर बोलेंगे, रूमर। अच्छा ठीक, स्कैंडल तो वो होता है कि ऐसी कोई चीज पीछे होती है और वो फिर फट के आ जाती है ना, तो फिर ये okay, कुछ है, that's a scandal के मतलब we were really good friends and we still किसी का extra marital affair होता है, वो होता है scandal, जब वो बाहर निकल के आती है बात, ये scandal तो नहीं है। Not really Mansha, she made it up. और दूसरा कौन सा बहुत मशहूर कोई ऐसी बात हुई थी?
रूमर कह लो, स्कैंडल कह लो, कुछ भी. I don't know. Okay, Manisha, a person was not answerable. A person is not answerable or responsible for the beliefs and opinions of their colleagues or bosses. It's the same as asking an actor to stop working with the or condemn the opinions of someone in the industry. ये पूरा एक ट्वीट किया था, एक पूरा मैसेज डाला था इंस्टा पे. ये क्या था, इसके पीछे क्या हकायक हैं, जरा ये बता दो. यार इन जनरल था ये, बट मतलब मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है. This was, I think, in reference to Khaleel ur Rehman Kamar. और आपने भी उनके साथ एहसन काम किया होगा, because you know you've been in the industry for so long. इन्होंने भी किया होगा, मैंने भी किया. और मुझे लगता है कि ये बात गलत है अगर कोई कहता है कि उनको नहीं पता कि उनकी क्या सोच है. मुझे लगता है कि जो भी उनके ओपिनियंस हैं वो इंडस्ट्री की हद तक तो लोगों को पता ही होंगे, आई थिंक. बट ऑब्वियसली न्यूज़ अगर उनको प्लेटफॉर्म दे रहा है तो ही इज़ गोइंग टू से व्हाट ही वांट्स टू से, वेदर आई बिलीव इट्स राइट, वेदर यू बिलीव इट्स राइट. आई डोंट थिंक अब इस पर आपकी क्या राय है, मेरी क्या राय है. मुझे लगता है कि आपके ज़ाती जो भी इख्तलाफात हैं और अगर उसके बाद आप उस इंसान से काम करना चाहें नहीं करना चाहें, वो एक अलग चीज़ है. वो हर बंदे की एक पर्सनल चॉइस होती है. लेकिन मैंने उस हवाले से कहा था कि मैं इन जनरल ये बिलीव करती हूँ कि काम के वक्त एक अलग आपका होनी चाहिए सोच और ज़ाती हद तक आपकी अलग होनी चाहिए. आप ज़ाती ज़िंदगी में, हाँ, आप ज़ाती ज़िंदगी में ऐसे लोगों के साथ बैठना चाहेंगे जो ज़रा आप उनके साथ आपके वैल्यूज़, हाँ, आपके वैल्यूज़ सेम हो. लेकिन काम के वक्त तो आप ये नहीं सोचते ना, आप अपने जो लोगों को आप एम्प्लॉय भी करते हैं तो आप ये तो नहीं सोचते कि इसकी क्या सोच है. आप उनको इस चीज़ का कभी कभी पता ही नहीं चलता कितनी देर की किसी की क्या सोच. एग्जैक्टली, अंदर से कोई क्या है, कोई किसकी किसकी क्या गारंटी ले सकता है. दैट्स वन थिंग आई रियली लाइक अबाउट गोइंग टू वर्क, बिकॉज़ इतने डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट के लोग आए हुए होते हैं और जस्ट टू नो कि वो क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं, इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस आल्सो. आई एंडर्स देम. कभी कभार लोगों को ऐसा लगता है कि वो आर्गुमेंटेटिव हो रहा है लेकिन वो होता नहीं है. एंड आई एम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन पीपल कि वो व्हाई आर दे नॉट. वैसे हमारी जॉब इसलिए भी इंटरेस्टिंग ज्यादा कि वरना सब बहुत से लोगों की जॉब बहुत मोनोटोनस होती है. हर रोज एक ही शक्लें, एक ही चेहरे, एक ही लोग, एक ही तरह. एग्जैक्टली. और लोगों ने इस चीज को आई थिंक ये गलत समझा था कि मैं किसी को डिफेंड कर रही हूँ, कि मैं उनकी वैल्यू सिस्टम से अग्री करती हूँ या डिसएग्री करती हूँ, या जो उन्होंने एक्चुअली सोचा था कि मैं डिफेंड कर रही हूँ. जो कि आई मीन दैट्स ये आपकी सोच है, दैट्स अप टू यू. अगर आपको ये सोचना है कि मैं, बट व्हाट आई हैड एक्चुअली मेंट टू से वाज कि जब आप किसी के साथ काम करते हैं और जो ये लोग देख रहे हैं वो भी जब अपने सोचेंगे अपने बॉसेस या अपने कॉलीग्स के बारे में, उनको यही आएगा दिमाग में कि यार यू डोंट गेट टू चूज हाउ यू वर्क विद एंड वॉट देयर बिलीव्स आर. एंड बिलीव्स भी एक ऐसी चीज़ होती है जो कि बहुत अरसे से चेंज हो जाती है. अब खलील साहब ने अभी कुछ इंटरव्यू में कहा था कि आई थिंक द फेमिनिस्ट आर राइट. मुझे उनकी बात पर अग्री कर देना चाहिए कि हमारे साथ, और ये भी एक प्रोग्रेस है. एंड आई होप कि वो इस बात पर जो है वो कायम रहे कि जो हमारे साथ यहाँ पे पाकिस्तान में हो रहा है और उनको पता है कि कहाँ पे वाकईतन गलत हो रहा है और कहाँ पे टाइम्स नहीं. इस बात पर तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन आप एक जो एक परसीव चीज कर लेते हैं सारी जिंदगी उसी पे तो नहीं रुके रहते ना. बिलीफ सिस्टम भी आपका टर्न बैक. एंड देन सो दिस इज हाउ लाइफ इज. आपकी एक्सपीरियंस इज अ लॉट ऑफ थिंग्स आल्सो एट द सेम टाइम और मे बी नॉट. ठीक है जी. नूर खा लिया बहुत. सीरियसली मैंने देखे खा के जवाब देना है. मंशा ने सही खा. अच्छा बताओ. और मैंने गिराया भी है. हां लास्ट रह गए. लास्ट है. हां बताओ. ही सो वांट्स इट ओवर दिस सेगमेंट. ओके जी, सवाल ये है कि मैंने कम अज कम तीन मरतबा सिर्फ और सिर्फ कास्ट या डायरेक्टर की वजह से ये प्रोजेक्ट मना किया. कोई प्रोजेक्ट कम अज कम तीन मरतबा कि जब कास्ट कंफर्टेबल नहीं है या डायरेक्टर कंफर्टेबल नहीं है. पहले नहीं करता था बट अ फ्यूचर प्लान्स है. हुआ नहीं है ये. ओके. प्रैक्टिकली शायद वंस मे बी आई डोंट रिमेम्बर बट नाउ आई एम कमिंग टू अ पॉइंट बिकॉज आप इंडस्ट्री में बहुत से लोगों को जानना शुरू हो जाते हैं और आपको समझ आ जाना शुरू होती है. एंड देन ऑल्सो पता क्या कहना में एक प्रोजेक्ट सिर्फ एक प्रोजेक्ट लगता है बट अब जिस तरीके से हम लोग काम एलैबोरेट करते हैं वो आपका इजीली 5-6-7 महीने तक भी जाता है. सो आई फील कि इफ आई एम नॉट कनेक्टिंग विद पीपल मैं अपनी जिंदगी के साथ सात महीने जो है अच्छे तो हो ना आपके साथ. आपका जो भी थोड़ा बहुत इन डेप्थ रिलेशनशिप होना की जरूरत है लेकिन म्यूचुअल रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जो मैंने भी आपसे बात की थी आई जेन्युइनली एम ओपन टू पीपल. आई एम इंटरेस्टेड इन व्हाट यू थिंक. नूरी इज अ रियली टॉलरेंट पर्सन बाय द वे. मैं इंपोज नहीं करता, मैं एक्चुअली सुनना चाह रहा हूं. बट व्हेन आई साइन अ प्रोजेक्ट आई
हैव टू सी कि मेरे साथ कौन है और मैं किन लोगों के बीच में रोज 8 महीने जाऊंगा. मेरे लिए ये मैं बहुत जरूरी है और वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अजीम लोग हों, लेकिन नॉर्मल नॉर्मल लोग. डिफरेंट पीपल आर डिफरेंट फेजेस ऑफ देयर लाइफ आर डिफरेंट. मैंने ये भी देखा है. मैं बड़ा स्ट्रिक्टली बिकॉज बीइंग इन दिस फील्ड फॉर मोर देन 15 इयर्स नाउ तो मैं काफी लोगों को पता है. आप और मैं एक ही एग्जैक्टली बात कर रहे हैं बट आई थिंक वो जो मैं आप और बात कर रहे हैं वो काम पे भी फर्क पड़ता है. इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद समवन वो एक्टिंग में भी नजर आ रहा होता है, वो सीन में रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, आपकी शक्ल पे आ रहा होता है. एंड व्हेन यू इवन दोनों साथ होते हो जब आप डायरेक्टर साहब बहुत कंफर्टेबल होते हैं आपकी एक्टिंग में खुल के सामने आती है.